हमने क्या डिस्कस किया, एसी के अंदर हमने एवरेज वैल्यू डिस्कस कर ली थी, तो रिवीजन के लिए फिर से एक बार, ओनली रेजिस्टर था तो रेजिस्टेंस में ईएमएफ करंट की इक्वेशन पता है, करंट और ईएमएफ में एंगल सेम रहेगा और रेजिस्टेंस को आर बोलते हैं। उसी तरीके से एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, ईएमएफ ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, तो अगर ईएमएफ ओमेगा टी तो करंट पीछे है एंगल ऑफ पाई बाई टू, और इसके रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और जिसकी वैल्यू क्या होती है एल ओमेगा, और इसके अंदर जो इसकी जो यूनिट्स हैं वो ओम्स हैं एक्सेल के। ये एनसीईआरटी के सीबीएसई में एक नंबर का क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा बार आता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। वो ग्राफ बनाने को कहेगा एक्सेल और फ्रीक्वेंसी का, एक्सएल क्या होता है एल ओमेगा, ओमेगा क्या होता है टू पॉइंट टू फ्रीक्वेंसी, तो एक्सएल की वैल्यू क्या आएगी एल इंटू टू पॉइंट टू फ्रीक्वेंसी, तो एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन बन जाएगा। उसी तरीके से ओनली कैपेसिटर में अगर ईएमएफ की यही क्वेश्चन है तो करंट आगे होगा मैन एंगल ऑफ पाई बाई टू, तो ईएमएफ ओमेगा टी तो करंट आ गया मैन एंगल ऑफ पाई बाई टू, और इसमें रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक्स इज इक्वल टू वन बाई सी ओमेगा। ये इंपॉर्टेंट मार्क करो, आता है पेपर में कि एक्स सी और फ्रीक्वेंसी का अगर आप प्लॉट करो, एक्स सी क्या है वन बाई सी ओमेगा, ओमेगा क्या होता है टू पॉइंट टू फ्रीक्वेंसी, तो एक्स सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और ये ग्राफ है एक्स सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का, तो बन जाएगा ग्राफ ये। ठीक, फिर हमने क्या किया LCR, LCR में हमने डिस्कस कर लिया, इक्वेशन बनानी सीख ली, LCR के अंदर tan phi सीखा, tan phi निकालने के दो तरीके देखे, नेट वोल्टेज देखी, इम्पिडेंस ट्राइंगल देखा और इम्पिडेंस आ गई। फिर हमने क्या किया, रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस इज नोन एज ससेप्टेंस, और इम्पिडेंस की रेसिप्रोकल इज एडमिटेंस। ये स्टेप किया। एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर बता दिया मैंने, कैपेसिटर हटा दो और ऐसी रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर में इंडक्टर हटा दो, सेम है ये, नोट है इन केस ऑफ प्योर इंडक्टर, अगर किसी न्यूमेरिकल में वर्ड लिख दिया उसने प्योर इंडक्टर, इंडक्टर क्या होता है सोलेनोइड, इंडक्टर सोलेनोइड किससे बना होता है वायर से, वायर की क्या होती है मटीरियल की रेजिस्टेंस आर, जब एसी करंट पास करेंगे तो एक्सएल भी जनरेट कर लेता है, तो नॉर्मली एक इंडक्टर दो दो रेजिस्टेंस ऑफर करता है एसी को, एक आर मटीरियल ऑफ दी वायर, आर तो करेगा ही करेगा साथ में एक्सेल भी करता है, लेकिन अगर उसने ये नॉर्मल इंडक्टर है तो नॉर्मल इंडक्टर एक्ट्स लाइक आरएल सर्किट, एक नॉर्मल इंडक्टर एक्ट्स लाइक एन आरएल सर्किट, आरएल सर्किट का मतलब आर भी और एक्सेल भी है, लेकिन अगर उसने बोल दिया प्योर इंडक्टर, तो प्योर इंडक्टर का मतलब आपने आर को नहीं लेना, सिर्फ क्या लेना है एक्सएल लेना है बस, प्योर इंडक्टर में आर का रोल नहीं लेते, कैपिटल आर का रोल नहीं, सिर्फ क्या लेते हैं XL लेते हैं। अगर प्योर इंडक्टर नहीं है तो फिर R भी होगा और XL भी होगा, तो फिर टोटल रेजिस्टेंस क्या मानी जाएगी इंपेडेंस मानी जाएगी उसकी Z, दैट इज अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, अगर प्योर इंडक्टर नहीं है तो। ठीक है, तो अगर DC करंट पास करेगा इंडक्टर में और मान लो प्योर इंडक्टर नहीं है, प्योर इंडक्टर में क्या होता है दो रेजिस्टेंस ऑफर होती हैं R एंड XL, तो जब डीसी करंट पास करेगा इस इंडक्टर में तो डीसी एक्सएल तो जीरो हो जाता है, डीसी करंट जब पास करते हैं उसमें एक्सएल तो होता ही नहीं है, तो सिर्फ क्या बचेगा सिर्फ आर बचता है। तभी तो पिछले चैप्टर में जब हमने सोलेनोइड यूज किया और डीसी यूज किया था, हमने आर की बात की थी, हमने एक्सएल की कभी बात नहीं की थी, क्योंकि एक्सएल डीसी के लिए क्या हो जाता है जीरो, पर क्योंकि चैप्टर एसी है इसमें आर भी होगा और एक्सएल भी होगा और प्योर इंडक्टर में आर नहीं होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक,